उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, एक पार्टी और उभर कर आई है, आज़ाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं? बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरी वाल्मीकि समाज का बहुत सपोर्ट करते हैं वो। और हम लोग को कहना यही है कि बहन जी से भी यही बात बोलूँगा कि उनसे एक बार एक हो जाए सब लोग, तो अपनी जलवा और रहेगा। 22 में कोई हराने वाला पैदा ही नहीं है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बहन जी हो जाएं तो इससे अच्छी क्या बात है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद का समर्थन करते हैं? हम लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका, ऐसे दलित हर समय हम लोग के लिए खड़े रहते हैं, बहुत बड़ी बात है कि वाल्मीकि समाज के लिए वो खड़ा होता। हसरत में भी कांड हुआ था तो बंदे ने तुरंत जैसे सुना वैसे अपना भाई तुरंत वहाँ पहुँचा कि इसको अन्याय दो, अन्याय दो। बेचारा बहुत साथ देता है वाल्मीकि समाज का वो। और हम तो एक दुआ करेंगे कि बहन जी से भी उम्मीद है कि भैया तो इस बार हाथ पकड़ लें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि बसपा और असपा का गठबंधन हो जाए? गठबंधन हो जाए सबसे अच्छी बात है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फिर कोई हराने वाला नहीं है? कोई हराने वाला पैदा ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है अगर ऐसा हो जाएगा तो? अरे ऐसा हो जाएगा तो ये सरकार तो अपनी है ही है, और वैसे भी अपनी है, और भैया मिल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। चंद्रशेखर आज़ाद की क्या चीज़ आपको पसंद आती? हमें उनका सिर्फ रुतबा बहुत पसंद आता, वो किसी से डरते नहीं हैं, वो चाहे DM हो कोई हो वो डरते नहीं हैं। अच्छा, उनकी सिर्फ एक ही बात अच्छी लगती है हमें। और लुक उनका एक लुक है, चश्मे लगा कर रहते हैं, वाइट शर्ट, बड़े मोचे कान पे रहते हैं, लगता है कोई हरिजन है। हरिजन मत बोलिए, हरिजन शब्द मत बोलिए, दलित आप बोल सकते हैं, हरिजन मत बोलिए। तो चश्मा लगा कर और मूँछों पर ताव देकर रहते हैं, वो पसंद आता है? हमें बहुत पसंद आते हैं चंद्रशेखर भैया जी, और बहुत अच्छे आदमी हैं। अब वो भी इस चुनाव में आ रहे हैं, क्या लगता है उनका कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। जो युवा है वो क्या चंद्रशेखर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है? जितना युवा है वो तो सब भैया की तरफ जा रहा है, वो तो दुनिया को पता है चंद्रशेखर भैया तरफ। हम लोग जितने वाल्मीकि समाज युवा है सब भैया साथ हम लोग सपोर्टर हैं, वो सबको बता दूँ कि वो भैया बहुत हम लोग के लिए काम करते हैं। और रुतबा पसंद आता? रुतबा उनका सबसे ज़्यादा तो रुतबा पसंद आता भैया का। तो इनका कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो रुतबा है, जो चश्मा और एक डेफिनेटिव स्टाइल उन्होंने बना रखा है, चश्मा, वाइट शर्ट और मूछों पर ताव जो देते हैं, वो इनको बहुत पसंद है। और एक तरह से इन्होंने बताया कि वो रेजिस्टेंस है एक तरह का। और इनका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी का गठबंधन हो जाए तो कोई हराने वाला नहीं होगा। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं दलित डेस्क। जय भीम, जय भारत।